छोटे बच्चों को भी ऑयल से मसाज करते हैं। ये सदियों साल पुराने से आ रहा है, कोई भी केमिकल्स नहीं यूज करते हैं। अब तो आयुर्वेद में भी ऑयल्स यूज करते हैं स्किन को हेल्दी बनाने के लिए, जो भी पोल्यूशन से डैमेज हो गया है स्किन उसे हटाने के लिए। हम तो आजकल फैशन से मॉइस्चराइजर यूज करने लगे हैं, उसमें तो केमिकल्स बहुत सारे होते हैं। मॉइस्चराइजर का प्लेस में आप इस वाला तेल को इस तरह से बनाकर यूज कीजिए, आपका स्किन देखिए कितना ग्लो करता है। हमारे इंडिया में आयुर्वेदम फेमस है, आयुर्वेदम में ऑयल ही अप्लाई करते हैं बॉडी को, बॉडी ग्लो करने के लिए। जो भी प्रॉब्लम्स है स्किन पे, कालापन, दाग धब्बे और रिंकल्स हटाने के लिए ऑयल बहुत ही अच्छे से काम करता है। अगर आप मॉइस्चराइजर यूज करते हैं तो वो बंद कर दीजिए, एक बार इस ऑयल को बनाकर ट्राई कीजिए। हमको इस अच्छे से मॉइस्चराइजर ऑयल, फेशियल ऑयल, कुमकुम आदि तैलम, आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन ऑयल तो अमेजिंग होता है, आप एक बार ट्राई करिए। इस ऑयल बनाने के लिए हमको चाहिए आलमंड ऑयल, नेचुरल से विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है, स्किन के लिए तो नंबर वन ऑयल है। बाद में हम सैंडलवुड पाउडर, दालचीनी पाउडर, ये जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं ना, हम सारे स्किन पे दाग धब्बे हटाने के लिए काम करते हैं, स्किन पे जो भी रिंकल्स है उसे हटाने के लिए काम करते हैं। वीडियो तो बहुत बड़ा होता है इसलिए मैं तो ये फास्ट कर दी थी, बाद में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। मार्केट में हम मॉइस्चराइजर अच्छा वाला खरीदना चाहते हो तो मिनिमम आपको 1000 लगता है, लेकिन हम कम दाम पे नेचुरल चीज़ें डालकर इस तरह से बनाने से ना ये मॉइस्चराइजर से भी ज़्यादा काम करता है। आपको यूट्यूब में कोई भी वीडियो, कोई भी फेस पैक से यूज करने की ज़रूरत नहीं होती है, 50% प्रॉब्लम्स यही ऑयल निकाल देता है स्किन पे। आप हर तरह स्किन टाइप वाले ये वाले यूज़ कर सकते हो, ऑयल स्किन, नॉर्मल स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन। ये ऑयल स्किन को फेयर करने के लिए भी काम करता है और बेबी सॉफ्ट स्किन देने के लिए भी काम करता है। अब इसे कैसे बनाना है ये भी देख लेते हैं। पहले से हम लेते हैं एक छोटा सा बाउल, और बाउल में हम डालते हैं आलमंड ऑयल। ये वाला ना मुझे अमेजन में बहुत ही कम दाम में आया था, 200 ml, शायद 300 है। आपको भी लिंक दे दूंगी, आप चाहे तो मंगवा लीजिए, अच्छा है, दाम कम है लेकिन ऑयल तो बहुत ही अच्छा है। मेरा भी ऑयल स्किन है, मेरे स्किन को ऑयल बिल्कुल सूट नहीं करता है, लेकिन ये वाला ऑयल तो बहुत ही अच्छा है, मुझे कोई भी पिंपल्स नहीं आए। नॉर्मल से मैं कोई भी ऑयल अप्लाई करती हूँ या कोई भी मॉइस्चराइजर विटामिन ई वाला अप्लाई करती हूँ तो मुझे नेक्स्ट डे ही एक पिंपल आ जाते हैं या नहीं तो दाने आ जाते हैं, लेकिन इस ऑयल को इस तरह से प्रिपेयर करके अप्लाई करने से ना पिंपल्स हो वो भी लगा सकते हो, ऑयल स्किन वाले भी लगा सकते हो आराम से, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सॉफ्ट होता है आपका स्किन, बहुत ही मुलायम बनता है। हम तो आलमंड ऑयल लिए थे, इसमें एक एक करके हम ये वाले हर्ब्स डालेंगे। मैं पहले डाल रही हूँ सैंडलवुड पाउडर, आप सबको पता है सैंडलवुड पाउडर कितना अच्छा है, ये ऑयल का खुशबू ना बहुत ही अमेजिंग से होता है। बाद में हम डालते हैं दालचीनी पाउडर, दालचीनी पाउडर तो एक एंटी एजिंग जैसे काम करता है, दाग धब्बे हटाने के लिए काम करता है, रिंकल्स हटाने के लिए काम करता है, स्किन को टाइट करने के लिए भी काम करता है। दालचीनी थोड़ा जलता है इसलिए थोड़ा सा ले लीजिए, छोटा स्पून है ना उसमें 1/2 tablespoon ले ली थी मैं। बाद में मंजिष्ठा, मंजिष्ठा एक ऐसी हर्ब है, चीज़ है, आप कोई भी मार्केट वाला फेस पैक फेयरनेस के लिए, दाग धब्बे हटाने के लिए देखते हो तो उसमें जरूर आप मंजिष्ठा होता है, आप एक बार चेक कर लीजिए। मंजिष्ठा दाग धब्बे, कालापन हटाने के लिए बहुत ही बढ़िया से काम करता है, पिगमेंटेशन को भी हटा देता है। बाद में हम इसमें डाल रहे हैं इष्ट मधु। मार्केट में तो हमारे को बहुत सारे फेयरनेस पैक्स मिल जाते हैं, फेयरनेस क्रीम्स मिल जाते हैं, उसमें तो जरूर इष्ट मधु होता है, इष्ट मधु को मुलेठी भी बोलते हैं। हम इसमें डाले थे मुलेठी, थोड़ा सा, एक छोटा सा टेबलस्पून। मुलेठी हेयर ग्रोथ को रुकाने के लिए भी काम करता है, फेशियल हेयर के लिए काम करता है, स्किन फेयर करने के लिए काम करता है और दाग धब्बे हटाने के लिए भी काम करता है। हम नेक्स्ट इसमें डाल रहे हैं रोज पेटल्स पाउडर। स्किन को सॉफ्ट बनाने में रोज पेटल्स बहुत ही बढ़िया से काम करते हैं। इस ऑयल को आप अंडर आई डार्क सर्कल्स में भी लगा सकते हो, ये अंडर आई डार्क सर्कल्स हटाने में काम करता है, स्किन को टाइट करने में काम करता है, रिंकल्स हटाने में काम करता है, स्किन पे जो भी कालापन है, दाग धब्बे है, अनइवन स्किन टोन है उसे हटाने के लिए भी काम करता है। और एक अमेजिंग चीज़ हम इसमें ऐड करे थे हल्दी, कस्तूरी हल्दी, ये भी
एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है, स्किन पे जो भी दाग धब्बे है, कालापन है, उसे भी हटा देता है। और ये है लोटस के फ्लेवर का पेटल्स होते हैं ना, उसका पाउडर। अगर ये वाला आपके पास है तो डाल दीजिए, या नहीं तो ये वाला एक आप स्किप कर सकते हो, बाकी तो आप कोई भी स्किप नहीं कर सकते हो। अब इसमें डाल रही हूँ देसी कपूर। बहुत सारे फ्रेंड्स पूछे थे देसी कपूर दिखने में कैसा होता है, इस वाला इस तरह से होता है देसी कपूर, आप देख लीजिए। ये वाला ना प्योर होता है, कोई केमिकल्स नहीं होते हैं। हम जो पूजा में यूज़ करते हैं ना कपूर, उसमें तो केमिकल्स होते हैं, मुझे भी पहले नहीं पता है, बाद में मुझे पता चला है उसमें केमिकल्स होते हैं, वो वाला नहीं यूज़ करना है आपको, देसी कपूर ही यूज़ करना है स्किन के लिए, और एक खाने के लिए भी यूज़ करते हैं। बाद में हम इसमें डाल रहे हैं केसर। केसर क्या काम करता है आपको पता है ना, स्किन पे क्या काम करता है केसर, दाग धब्बे हटाने के लिए, स्किन हमेशा यंग दिखने के लिए, रिंकल्स हटाने के लिए और फेयर करने के लिए बहुत सारे काम करता है केसर। इसलिए हम केसर थोड़ा ज़्यादा ही डाले थे, क्योंकि हमारा ऑयल भी थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए क्वांटिटीज भी उसकी तरह ही है। मैं तो एक चीज़ भूल गई थी, वो है इलायची। इलायची भी एक एंटी एजिंग के प्रॉपर्टीज होते हैं, इसमें बहुत ही अच्छा खुशबू देता है हमारा ऑयल को, और अच्छे से एंटी एजिंग के लिए भी काम करता है, स्किन को टाइट करने के लिए भी काम करता है। इसमें दो छोटे इलायची भी डाल दी थी। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ऑयल तो बन के रेडी हो गया है ना? नहीं, और एक काम करना है हमको। ये ऑयल ना इतना अच्छा खुशबू आता है, जब आप मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हो ना फ्रेंड्स, इस तरह से ही खुशबू आता है, क्योंकि हम बहुत सारे हर्ब्स डाले हैं, कपूर डाले हैं, हल्दी डाले थे ना, वो सारे मिलके बहुत ही अच्छा खुशबू आता है आपको। अगर मार्केट में कुंकुम आदि ऑयल मिलता है, आपको छोटा सा बॉटल ही 2500 लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा ये वाला अच्छे से काम करता है। सारे हमारे हाथों से डाले हैं हर्ब्स, ऑयल्स प्योर है, नेचुरल है। आप इस ऑयल को मॉइस्चराइजर जैसे यूज़ कीजिए, जो भी नेक का कालापन होता है ना, वो चल जाते हैं, रिंकल्स चल जाते हैं, मेलाज्मा चल जाता है, पिगमेंटेशन भी बोलते हैं ना, दाग धब्बे चल जाते हैं, एक्ने चल जाते हैं, स्किन तो बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये ऑयल है ना फ्रेंड्स, अंडर आई डार्क सर्कल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, लिप्स पर भी लगा सकते हो। इस ऑयल को ना थोड़ा सा गर्म करना है, क्यों? क्योंकि जो भी हम पाउडर्स हर्ब्स डाले थे ना, उनके सारे गुण हमारा ऑयल में आना चाहिए। इसलिए एक बॉल में वाटर ले लीजिए, उसके बीच में इस बॉल को रख दीजिए, ऑयल का बॉल को, बाद में थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ दीजिए। इसको बॉयल नहीं करना है, आप एक बात ध्यान दीजिए, इसे थोड़ा गर्म करना है। ये ऑयल स्किन को हाइड्रेट करता है। आयुर्वेद में बहुत सारे मसाज ऑयल्स दिखाते हैं, इसी तरह से बनाते हैं। ये वाला ऑयल बहुत ही महंगा है, इसलिए ट्रीटमेंट भी आपको महंगा ही मिलेगा, लेकिन हम इस तरह से बनाने से ना हमको कम दाम में शायद 400 में 500 में हो जाएगा, क्योंकि आलमंड ऑयल लगता है और केसर, ये दो चीज़ें ही थोड़ा दाम लगते हैं, बाकी के हम थोड़ा कम में ही मिल जाते हैं। इस ऑयल में अंगली डुबाने से ना थोड़ा गर्म लगना चाहिए, जब तक आप इसको थोड़ा गर्म करना चाहिए, बॉयल नहीं करना चाहिए। यह ऑयल रिंकल्स हटाने में भी बहुत ही अच्छे से काम करता है और स्किन को हाइड्रेट करता है, दाग धब्बे हटाने के लिए भी काम करता है और पिगमेंटेशन निकालने के लिए भी काम करता है। आपका स्किन हमेशा यंग दिखना चाहते हो तो आप इस ऑयल को जरूर ट्राई कीजिए। अब इस ऑयल थोड़ा गर्म हो गया था ना, थोड़ा गुनगुना हो गया है, बाद में इसे छान ली थी। आप चाहे तो इसे एक कॉटन का क्लॉथ में डालकर भी इस तरह से छान सकते हो। इस ऑयल को आप रात में ही अप्लाई करना है, फेस पर भी अप्लाई कर सकते हो, हैंड्स पर अप्लाई कर सकते हो, आप एक मॉइस्चराइजर जैसे पूरा बॉडी पर आप चाहे तो यूज कर सकते हो। अब इसको कैसे अप्लाई करना है, आप सोते समय इसको थोड़ा सा ले लीजिए, अच्छे से मसाज कर लीजिए, आप सो जाइए, मॉर्निंग उठ के देखिए आपका स्किन कितना अच्छा सॉफ्ट होता है, बेबी सॉफ्ट होता है, अच्छे से ग्लो करने लगता है। इसमें हम बहुत सारे हर्ब्स डाले हैं, नेचुरल विटामिन ई बादाम ऑयल डाले हैं, थोड़े लोग ना इसमें तिल का तेल डालते हैं और थोड़े लोग ना कोकोनट ऑयल भी डालते हैं। अगर आपको सूट करता है, आपको अच्छा लगता है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। मुझे तो प्योर बादाम ऑयल ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं तो प्योर बादाम ऑयल ही डाल दी थी। देखिए हमारा ऑयल बनके रेडी हो गया है, हमारा इसे मॉइस्चराइजर बोल सकते हो, फेशियल ऑयल बोल सकते हो,
कुछ भी नाम दे दो, लेकिन अमेजिंग ऑयल है, अमेजिंग मॉइस्चराइजर है, आप कोई भी इस तरह से बॉटल में आप स्टोर करके रख सकते हो। ये वाले देखिए, थोड़ा सा बचा है, मेरे पहले मैं बनाई थी, हो गया है, मैं आप फिर से बना रही हूँ, आपसे भी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही अमेजिंग ऑयल है। आप तो कुछ पैक्स, कुछ स्किन केयर करते हो या ना करते हो तो भी ये वाला ऑयल एक बार बनाकर यूज़ कीजिए, आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स आते हैं। आप ऑयल का कलर देख सकते हो, कितना अच्छा प्यारा सा कलर आया था ना, ये बहुत ही बढ़िया से काम करता है। इसमें केसर है, बहुत सारे हर्ब्स है। आप खुद इस तरह से हाथ से बनाकर यूज़ करते हो तो ना, बहुत ही अच्छे से रिजल्ट भी मिलता है, आपको बहुत खुशी भी मिलती है और कम दाम में बन के रेडी हो जाता है। आपको 3,000, 4,000, 5,000 लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेचुरल प्योर हर्बल कुमकुम आदि तैलम या मॉइस्चराइजर कुछ भी बोल सकते हो, मैं तो मॉइस्चराइजर जैसे ही यूज़ करती हूँ। हैंड्स पर यूज़ कर सकते हो, नेक पर, फुल बॉडी पर यूज़ कर सकते हो, लेकिन फेस पे आराम से यूज़ कर सकते हो, नाइट टाइम में यूज़ कर सकते हो, मॉर्निंग टाइम पे ना आप हैंड्स पर यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्मेल तो अमेजिंग से होता है। इसे छानने के बाद जो भी बचा हुआ थोड़ा होता है ना, उसे फेंकना नहीं है, उसमें हम थोड़ा उबटन डालकर और थोड़ा वाटर डालकर पेस्ट जैसे बनाकर यूज़ करेंगे। फेंकना नहीं है कोई भी चीज़, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे हर्ब्स डाले हैं और केसर डाले हैं ना, इसलिए उसे फेंकना नहीं है। थोड़ा सा उबटन, अगर आपके पास उबटन ना हो तो आप ग्राम फ्लोर चने के आटा डालकर भी आप उबटन बनाकर यूज़ कर सकते हो। और ये मैं डालिम थी ना, ये पपाया वाला उबटन है, पपाया वाला फेस वॉश बनाई थी ना, वो उबटन जैसे भी पूरा बॉडी पर भी यूज़ कर सकते हो। पपाया फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स आप यूट्यूब में शायद देख ही नहीं है, पपाया को भी इस तरह से पाउडर बना सकते हो। आप नहीं देखा हो तो वो वाला लिंक मैं नीचे दे दूंगी, आप जरूर चेक कीजिए। पपाया का उबटन फेस पैक भी बहुत ही अच्छा होता है, आप चाहे तो ट्राई कर लीजिए। इस तरह से उबटन, थोड़ा वाटर डाल के, थोड़ा जो भी बचा हुआ वेस्ट डालकर, उबटन डालकर इस तरह से बनाकर आप उस दिन बॉडी वॉश जैसे यूज़ कर सकते हो। ये पपाया वाला ना लिंक नीचे दे दूंगी, आप जरूर ट्राई कीजिए, वो भी बहुत ही अच्छा है। यूट्यूब में पहली बार उबटन है पपाया का। और ये वाला कुमकुम आदि तैलम या मॉइस्चराइजर बोल सकते हो ना, ये स्किन को सॉफ्ट, बेबी सॉफ्ट बना देता है। आपको 4-5 दिन यूज़ करने के बाद नहीं है फ्रेंड्स, आप अगर आप इस नाइट को पे अप्लाई करते हो तो नेक्स्ट डे ही आपको अमेजिंग रिजल्ट दिखता है। इस तरह से सारे हर्ब्स डालकर, प्योर आलमंड ऑयल डालकर इस मॉइस्चराइजर को आप बनाकर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही पसंद आता है। आपको शायद यूट्यूब में इस तरह से बनाना, इन इतनी हर्ब्स डालकर इतना अच्छा ऑयल, फेशियल ऑयल बनाना आपको यूट्यूब में शायद नहीं मिलेगा, आप जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अमेजिंग से काम करता है। ये फ्रेंड्स आज का मेरा वीडियो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।